हेलो एवरीवन, आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन का बचा हुआ पार्ट। शुरुआत में हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा था क्राइटेरिया जो एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए क्या होता है, और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे डिटेल क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासेस और अलग अलग फाइलम्स का। शुरुआत हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के साथ जहाँ पे नोटोकॉर्ड है या नहीं है, मतलब सपोर्ट है या नहीं है, इसके बेसिस पे वी हैव कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते, सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। गिल स्लिट्स अब्सेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट भी है तो वो वेंट्रल साइड पे, मतलब फ्रंट एंड पे, और हार्ट अगर प्रेजेंट है तो ये होता है बैक एंड पे, जिसे हम लोग डॉर्सल साइड कहते हैं, दैट इज विच इज वी कॉल्ड बैक साइड में वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। इसका अपोजिट हम लोग देखते हैं कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में बॉडी सपोर्टेड होती है, गिल स्लिट्स या लंग्स जैसे पार्ट आप लोग देखोगे वो रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे। नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड बैक साइड में प्रेजेंट होगा, और हार्ट अगर है तो वो आगे के साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस वाज द क्लासिफिकेशन विच वाज वी यूज इनिशियली। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी सिंपल होती है, इसलिए इन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जैसे हम लोग स्पंज में देखते हैं। सो इन पोर्स को ऑस्टिया एंड ऑस्किला ऐसा नाम देते हैं। ये बिलोंग करते हैं मरीन एक्वेटिक फैमिली को, मतलब ज़्यादातर आपको सी ओशन ऐसे में ही दिखेंगे। असिमेट्रिकल बॉडी है, मतलब डिवाइड नहीं होगी दो सेक्शन में। स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कॉलर सेल्स कहते हैं, यू कैन चेक आउट दिस इन द डायग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ये सेडेंट्री एनिमल्स है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो किसी भी एक सॉलिड बेस पे सपोर्टेड होती है, इनमें लोकोमोशन नहीं होता, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। देयर स्पॉन्ज बॉडी सपोर्टेड बाय सम स्पेशल फाइबर्स, और जो ये फाइबर्स है बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं। ये फीड करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो पानी के साथ उनमें आएंगे। ओके, वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड विच इज गिवन आउट थ्रू ऑस्किला। नाउ दिस एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से होता है। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखा था कि बडिंग एक्चुअली कैसे होता है। ओके, और अस एंड बाय सेक्सुअल मेथड ऑल्सो, दोनों ही पॉसिबिलिटी, एंड बिसाइड दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, तो रीजनरेटिव सेल्स भी इस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो एग्जाम के लिए, सबसे ईजी एग्जाम्पल है आपका साइकन वाला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज फाइलन सिलेंड्रिया। यहाँ पे जो एनिमल्स हम लोग देखते हैं इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल या फिर अम्ब्रेला जैसी होती है। अगर वो सिलेंड्रिकल है इनको पॉलिप कहेंगे, अगर अम्ब्रेला जैसी है तो इनको मेड्यूसा कहते हैं। ये दोनों ही नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक है सभी एक्वेटिक है, मरीन लाइफ में रहेंगे, कुछ कुछ जो है वो आप फ्रेश वाटर में भी देख सकते हो। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी एक्सिस पे हम लोग इसको कट कर सकते हैं, विच कैन पास थ्रू द सेंटर, और डबल लेयर है, इट इज मेंशन डायब्लोब्लास्टिक। अब सिनेडोब्लास्ट जो यहाँ पे है इसके ऊपर कुछ बाल से आपको दिखेंगे, टिंडैकल्स कहते हैं इनको। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब इनको किसी शिकार को पकड़ना होता है, और दूसरी बात ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यू विल सी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होते जाएगी जो पिछले कैटेगरी में हम लोग मिस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन के लिए भी एक चीज़ प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इस कैटेगरी के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लोग फ्लैटवर्म्स कहते हैं, बिकॉज लीव जैसे होते हैं, एक स्ट्रिप जैसे होते हैं। जहाँ तक है बहुत सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब बॉडी के अंदर रहते हैं, ये बाहर नहीं रहते, फ्री लिविंग है और एक्वेटिक है। बॉडी बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल है, मतलब मैं इसे एक प्रॉपर एक्सिस के थ्रू कट अगर करूँ तो मुझे दो सेक्शंस देखने को मिलेंगे। बॉडी ट्रिपल लेयर्ड है, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों ही प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे नोट करोगे, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5, ये जो एनिमल्स हैं इनको हेरमाप्रोडाइट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये सेम बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो अगेन मैं वही पॉइंट आपको बोलूँगा कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, द डिफरेंस विच यू आर नोटिसिंग, ये पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो फ्लैटफॉर्म की एक अलग अपडेटेड वर्जन है, जिसे हम लोग राउंड वॉर्म कहते हैं। तो जहाँ तक इनकी बॉडी थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगी। दे आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स, मतलब जैसा पीछे था वैसे यहाँ पे भी है, ये भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्री लिविंग जो होते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पे, अब तक जितने भी देखे वो सारे पानी में रहते थे, बट यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ज़मीन पे भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रिपल लेयर्ड है जैसा पीछे था,
और बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। एक टफ कवरिंग होता है जो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एक आउटर सराउंडिंग के साथ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है उसके लिए टफ क्यूटिकल वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जहाँ तक है ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, सो दिस आर व्हाट यू कैन सी द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जांपल में आपको इंटेस्टिनल वॉर्म दिखेगा जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एक आई वॉर्म प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आता है दैट इज फाइलम एनेलिडा। यहाँ के जो भी एनिमल्स है दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल और सेगमेंटेड, ठीक है, मेटामेरिकली प्रॉपरली सेगमेंटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टो पैरासाइट, मतलब अब ये बॉडी के बाहर रहेंगे। और जो फ्री लिविंग्स हैं वो मरीन लाइफ, फ्रेश वाटर ड्वेलर्स या फिर वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बॉडी ट्रिपल लेयर्ड है, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है। अब दे हैव अ पैरापोडिया और सकर, मतलब खिसक खिसक के चलते हैं। एक बॉडी के जो निचला हिस्सा होता है ना वो सक करके आगे की तरफ खिसकते हुए देखने को मिलेगा। एक स्पेशल क्यूटिकल यहाँ पे भी होगा जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा आउटर सराउंडिंग के साथ। एंड दीज एनिमल्स आर आइदर हेमाप्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल सिस्टम दोनों एक में भी हो सकती है, या फिर ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये जो एनेलिडा वाला फाइलम है फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इसको प्रिपेयर करोगे, इसके एग्जाम्पल्स जैसे हमारे पास अर्थवॉर्म है, एक लीच है, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। एक गिव रीजन का एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ बनता है। प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम। यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर में एनिमल्स हम लोग किंगडम में देखते हैं। इनका जो हैबिटेट है, ओके, हैबिटेट इज फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू द हाईएस्ट माउंटेन। ट्रिपल लेयर रहेंगे, मतलब तीनों ही डर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है। बॉडी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है। प्रॉपर एक एक्सिस के थ्रू अगर आप कट करोगे तो आपको आसानी से दो हाफ मिल सकते हैं। बॉडी सेगमेंटेड भी होती है। ओके, सो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज़ किया था उसमें से काफ़ी सारे पार्ट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक चिटिनस एग्जोस्केलेटन होगा, आपने कॉकरोच देखा ही होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉकरोच अगर हम लोग यहाँ पे लेना चाहें। उसके ऊपर एक कवच सा बना होता है, एक हार्ड स्केलेटन देख सकते हैं, ठीक है, ठीके? उसको चिटिनस एग्जोस्केलेटन हम लोग कहते हैं। और जहाँ तक ही इस जारे के सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रिकॉल कर सकते हो। क्रैब है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, फिर मिलीपेड और सेंटीपेड, ये तो नॉर्मली कीड़े अलग से होते हैं। कॉकरोच एक कॉमन एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई है, हनी भी है। सो यू कैन फाइंड द रेंजेस ऑफ एग्जाम्पल फॉर दिस फाइलम। और इसलिए उन्होंने कहा कि प्लैनेट अर्थ पे अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स अगर किसी फाइलम में प्रेजेंट है तो वो ये है, राइट फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन टू द हाईएस्ट माउंटेन। इसमें इतनी सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है, अ वास्ट कैटेगरी कैन बी सीन अंडर दिस सेगमेंट। और हर एक को हम लोग काफ़ी आसानी से डिटेल में स्टडी करने के लिए वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सो जैसा आपको कहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सेगमेंट आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। इस पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं, उसके साथ कोई दो या तीन एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद का जो फाइलम आता है दोस्तों दैट इज फाइलम मोलस्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी सारे एनिमल्स देखते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया है दैट इज मोलस्का। ये एनिमल्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही होंगे, बट जहाँ तक एक्वेटिक की बात है तो इसमें मराइन भी होते हैं और कुछ कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो बॉडी है वो ट्राइब्रोप्लास्टिक है, ट्रिपल लेयर है, नॉन सेगमेंटेड है और सॉफ्ट है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आप नोटिस करोगे कि एनिमल जैसे स्नेल है, इसकी बॉडी बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल दिखती है, मतलब आप एक एक्सिस पे उसको कट कर सकते हो। इनकी बॉडी जो होती है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, फुट और एक वेसिरल मास अलग से होता है। अभी जो मास होता है इट इज कवर्ड विथ अ मेंटल। नाउ दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड क्लैरशियस शेल, एक शेल सा बनता है। अब ये शेल काफ़ी जगह पे एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है,
कहीं जगह पे इंटरनल हो सकता है और कहीं जगह पे हम लोग देखते हैं कि वो एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, सो शेल डिपेंड भी होगा, नहीं भी डिपेंड होगा, और इट कैन बी एब्सेंट। और जहाँ तक है इस कैटेगरी के जो एनिमल है वो सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। सो यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन आपको दिख रहा है कि हमने कहा इट इज़ नॉन सेगमेंटेड, ओके, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमारे पास है जो है स्नेल का, जिसकी बॉडी आप लोग देख सकते हो कि इट इज़ बायलैटरिकली सिमेट्रिकल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बॉडी तीन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होती है। इसके बारे में हम लोगों ने अब तक आगे जो भी फाइलम्स देखे वहाँ पे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। इसके बाद जो आता है दोस्तों फाइलम, दैट इज एचिनोडर्माटा। इनके ऊपर एक अलग से स्पाइन्स होते हैं, हार्ड स्पाइन हम लोग बोल सकते हैं, और इस वजह से इनको एचिनोडर्म्स कहते हैं। मोस्टली हम लोग इसे ओशन में देखते हैं। बॉडी ट्रिपल लेयर्ड है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है एडल्ट स्टेज में, बट लार्वल स्टेज जो होती है इनिशियल डेवलपमेंट की, वहाँ पे आप देखोगे इनकी बॉडी बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होती है। इनके पास लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट होते हैं, और इन्हीं ट्यूब फीट की मदद से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। और काफ़ी सारे एनिमल्स यहाँ पे आप देखोगे कि वो सेडेंटरी भी होंगे, एक जगह पे फिक्स होते हैं। इनके दे हैव द स्केलेटन मेड अप ऑफ, यू कैन से, क्लेनर स्पाइंस और प्लेट से वो बने हो सकते हैं। दिस एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, मतलब कोई पार्ट अगर मिसली गलती से कट गया तो रीजनरेट भी हो सकता है। एंड दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। आप देख सकते हो सबसे फेमस एग्जाम्पल स्टार फिश का, जो हमने कंसिडर किया था जब हम लोग सिमेट्री पढ़ रहे थे। ओके, रेडियल सिमेट्री आपको ईजिली दिखती है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे एक्सेस के थ्रू कट कर सकते हैं। एंड एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो सी आर्चिन, वहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऐसे स्पाइन्स प्रेजेंट है। तो ये स्पाइन्स जब भी होते हैं तो कोई भी इनका शिकार नहीं कर सकता, ये इनके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट फीचर देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज फ्रेंड्स हेमीकॉर्डेटा। इनकी जो बॉडी है वो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है प्रोबोसिस, अगला है कॉलर, अगला है ट्रंक, सेम एज हेड, नेक एंड द लोअर पार्ट। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगा फर्स्ट सेक्शन में, जो कि टॉप सेक्शन है, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमीकॉर्डेट्स, आधा ही होता है वो। दिस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉनवॉर्म्स, एकॉनवॉर्म्स भी कहते हैं। जहाँ तक है मरीन एनिमल्स हैं, बोरो करके ज़मीन में खड्डा करके रहना पसंद करते हैं। दे हैव वन टू मेनी गिल स्लिट्स, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब रेस्पिरेशन जो है वो हम लोग इनमें देख सकते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल, और कुछ कुछ जो है वो हमें हेमाप्रोडाइट भी देखने को मिलेंगे, मतलब मेल और फीमेल सिस्टम एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है कॉर्डेट्स का। ये हम लोगों ने देखा था शुरुआत में भी, ट्रेडिशनल मेथड जो थी हमारी क्लासिफाई करने की, उसका एक सेक्शन था कॉर्डेट्स, जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और उस बेसिस पे हमारे पास कुछ सब फाइलम्स भी है, मतलब जो कॉर्डेट्स के अंडर आते हैं। ओके, सो आगे जाके यू हैव टू रिमेंबर सम सेगमेंट्स जो कॉर्डेट्स के अंदर भी आएंगे, और आपको एग्जाम में भी इससे पूछा जा सकता है। जहाँ तक कि कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वही होगी जो हम लोगों ने शुरुआत में ट्रेडिशनल मेथड में देखी थी वहाँ पे, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, जैसे हम लंग्स भी बोल सकते हो, स्पाइन कॉर्ड ऑन द बैक साइड, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, जिसे हम लोग फ्रंट साइड भी वहाँ पे कहते हैं। सो इसमें सबसे पहला जो सब फाइलम आता है दैट इज यूरोकॉर्डेट्स। इनमें जहाँ तक है मरीन एनिमल्स हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक टेस्ट, यू कैन से। लार्वे ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन, ठीक है, सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेट्स। लार्वे मेटामॉर्फिसिस इनटू एडल्ट्स, एडल्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर सेटिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी, मतलब सी के बॉटम में जाके इसका पूरा प्रोसेसिंग होगा, मतलब पूरा डेवलपमेंट होगा इन शॉर्ट, और फिर वो जाके एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जनरली ये जो होते हैं ये हेमोपोडाइट्स होते हैं, मतलब वही होगा फिर से, दोनों ही सिस्टम्स आपको एक साथ प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलती है। सो फिर से एक बार बता दो, दिस इज सब फाइलम्स ऑफ कॉर्डेट्स, ओके, इसलिए इसको पहले को हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट्स के नाम से वहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स का सब फाइलम है। फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेकेंड सब फाइलम कॉर्डेट्स का, जिसे हम लोग सेफालोकॉर्डेट्स कहते हैं। दे आर स्मॉल और फिश लाइक होते हैं, मतलब दे जस्ट रिसेम्बल इन द स्ट्रक्चर जैसे फिश होता है और मरीन एनिमल्स,
मतलब पानी में ही ज़्यादा रहेंगे। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, पूरी बॉडी लेंथ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। यू कैन चेक आउट थ्रू द डायग्राम, और ये जो डायग्राम आपको दिया है इस सब फाइलम का, यू हैव टू प्रिपेयर दिस डायग्राम फ्रॉम लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लेबलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है। पैरेक्स इज वेरी लार्ज, जैसे ह्यूमन बॉडी में हम लोग देखते हैं, एंड इट कंटेन सम ग्लेल स्लिट्स। सो गिल स्लिट्स वहाँ पे होंगे रेस्पिरेशन के लिए, जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है उनमें गिल स्लिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे भी आपको मेल फीमेल अलग अलग ही देखने को मिलेगा, ओके एक साथ वो देखने को मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी कम्स द सब फाइलम सी, यू कैन से वर्टिब्रेटा और कार्नेटा। इन दिस एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हम लोगों के केस में हम लोग बोलते हैं। इन दिस एनिमल हेड इज डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड होगा हेड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय कार्नियम, एक ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड एक्सोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजियस और बोनी, मतलब बाहर से जो बॉडी को सपोर्ट चाहिए एक्सोस्केलेटन वो काफ़ी हार्ड होगा। कुछ कॉर्डेट्स आर जॉलेस, जैसे एगेंथा है, वेर आर सम आर विद जॉस। तो ये जो एग्जांपल है, अगेन यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल। देखो जितने भी क्लासिफिकेशन के सब सब फाइलम्स हम लोग देख रहे हैं ना, आपको खुद के सेल्फ नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि जो फाइलम है या जो सब फाइलम है उसका एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको लिख के देखना है, सो दैट जब भी एग्जाम पीरियड होगा आप उस चीज़ को काफ़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब हम लोग देखेंगे सब फाइलम्स जो वर्टिब्रेट्स के होते हैं, जो वर्टिब्रेटा के होते हैं, छह अलग अलग सेक्शंस हमने देखने। सबसे पहला है साइक्लोस्टोमाटस। दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर, मतलब सक करते हैं किसी भी चीज़ को। देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल, कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई हार्ड सर्फेस प्रेजेंट नहीं होता। पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे, सॉरी पेयर्ड अपेंडेजेस आर एबसेंट, अपेंडेजेस आर नॉट प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस, बाहर से एक स्केलेटन प्रेजेंट होगा। और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टो पैरासाइट्स, ओके एक्टो पैरासाइट्स मतलब बॉडी के बाहर कहीं बैठ जाएंगे और सक जो सकर सिस्टम उनको दी है उस सिस्टम के थ्रू वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए वो ईजिली वहाँ से सक करके अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास of vertebrates that is cyclostomatas. Now next is very famous and that is class species. अब यहाँ पे mostly हम लोग देखते हैं कि fish के सारे ही जो categories है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। They are cold-blooded aquatic animals living in marine and fresh water. Body is spindle shaped to minimize water resistance. Proper body को shape दिया गया है जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से swim कर सकते हैं। They have अ पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग, पिन्स जो होती है जिससे वो लोग इजीली स्विम करते हो, पेयर्ड भी हो सकती है अनपेयर्ड भी हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट टेल फिन दिया होता है जिसकी मदद से वो लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, जिसका मतलब है वो एज अ स्टेयरिंग यूज़ होता है। गाड़ी में स्टेयरिंग होता है ना, हम लोग डायरेक्शन बदलने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही कुछ सेम मैकेनिज्म आप देख सकते हो। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल, स्केल्स प्रेजेंट है। तो जो लोग आप में से फिश खाते होंगे, जब आप परचेस करने जाते हो आपने देखा होगा वो स्केल्स निकालते हैं। एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और इट कैन बी बोनी। रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू द गिल्स, यहाँ पे गिल्स इट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। मैंने पीछे कैटेगरी में आपको कहा था दैट इज सब फाइलम सेफालोकॉर्डाट्स की आपको डायग्राम याद रखनी है, सेम वे यहाँ पे भी है। फिश का जो डायग्राम दिया है, डॉग फिश का, ये डायग्राम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है बिकॉज लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल्स भी है, रोहू है, ओके ये सारे कॉमन से एग्जांपल्स यू कैन इजीली रिमेंबर। इसके बाद जो कैटेगरी आती है दैट इज एम्फीबियस, इन शॉर्ट यू कैन से दे आर एम्फीबियंस। दे दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वल स्टेज इनिशियल डेवलपमेंट में एंड परफॉर्म्स ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, वेयर एज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन, मतलब दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इनमें प्रेजेंट हो जाएगी। दे हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, ओके जो हाथ की कैसे उंगलियाँ जैसा होती है ना उसके लिए हम लोग बोलते हैं डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, उसमें कोई भी गैपिंग नहीं होता है वहाँ पे, दे आर वेरी क्लियर एंड दे हैव पेयर ऑफ अपेंडेजेस। एक्सोस्केलेटन इज एबसेंट, बाहर कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होगा एंड स्किन इज
विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस फॉर रेस्पिरेशन। उसको गीला ही हम लोग रखते हैं या गीली वो लोग रखते हैं जनरली जब भी हम लोग उसको स्टडी करने के लिए लेते हैं। आप में से जो भी क्लास 10 के बाद बायो लेगा फ्रॉक पे डिसेक्शन का प्रैक्टिकल करवाते ही है, तब आप और डिटेल में जानोगे। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टैम्पेनम इज प्रेजेंट। एक्सटर्नली ईयर प्रेजेंट नहीं है बट आप देख सकते हो टैम्पेनम एक ईयर का रोल वहाँ पे प्ले करते हुए आपको देखने को मिलेगा। नेक एब्सेंट है एंड आईज आर प्रोमिनेंट विद आईलिड्स। तो प्रॉपर आईलिड्स है देख सकते हो, और अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स भी आपने देखे होंगे, इवन यू हैव सीन टॉड्स ओवर देयर डिस्कवरी चैनल्स पे। सो फ्रॉग, टॉग, सेलामेंडर, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग इस क्लास के लिए वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है क्लास, दैट इज रेप्टिलिया, मतलब रेप्टाइल्स। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर द फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रिपिंग मूवमेंट। ये सबसे पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे क्रीप ऑन लैंड एज देयर बॉडी के नॉट बी लिफ्टेड अप। इनकी बॉडी हैवी होती है, मतलब जो अपेंडेजेस है, जो पैर है, ये इतना वजन नहीं उठा सकते। इसे जनरली हम लोग देखते हैं कि ये ज़मीन से चिपक के चलते हैं। ओके, देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, स्किन काफ़ी ड्राई होती है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है, स्केल्स होते हैं। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, सो छोटा छोटा सा नेक भी आप नोटिस कर सकते हो। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, नो ईयर्स यू कैन फाइंड आउट। एंड डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ ग्लॉस, सो डिजिट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, मतलब उसमें जॉइंट आप देख सकते हो अगर आप इनके पैर देखो। सो वी हैव एग्जाम्पल टॉटॉइस, लिजार्ड है और स्नेक है। इन तीनों में आप काफ़ी सारे वेराइटीज देख सकते हो, खासकर स्नेक, ये जो एक अलग स्पीसीज है, इसमें आपने बहुत सारे यू कैन से वेरिएशंस देखे होंगे। अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इवन आप इसके बारे में ये भी जानते हो कि ये स्किन अपनी रिलीज़ करते हैं, मतलब स्किन इसकी निकलती है, वापस से वो दूसरी स्किन भी वहाँ पे पॉसिबल होती है। सो दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्लास, दैट इज़ रेप्टिलिया, जिसके बारे में आपको एग्ज़ाम में कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जाने फिक्स दिखते हैं। नेक्स्ट इज क्लास एफ्स, इन्हें एरियल एनिमल्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ अवर चैप्टर। ये वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड कंप्लीटली अडेप्टेड टू द एरियल लाइफ। दे आर वार्म ब्लडेड, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ओके, देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट। ये हम लोगों ने फिशेज के बारे में भी देखा था कि बॉडी एक स्पेशल शेप में डिजाइन की गई है। नेक्स्ट, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स, जो आगे के पैर थे उनको अब विंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, सो दैट उनको फ्लाई करने में ईजी होगा। एंड डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बियर क्लॉज, तो आप देख सकते हो वहाँ पे क्लॉज भी प्रेजेंट है। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर्स, तो इनके जो पंख होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के एनवायरमेंट के साथ, जो चेंजिंग टेम्परेचर क्लाइमेट होता है उसमें। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, तो एक प्रॉपर नेक भी आप फॉर्म होते हुए देख सकते हो। एंड जॉज आर मॉडिफाइड इनटू पीक, तो एक चोच उनमें प्रेजेंट होती है जो अब तक हम लोगों ने किसी भी क्लास या किसी भी क्लासिफिकेशन में देखा नहीं था। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे आप खुद के मन से भी दे सकते हो इस कैटेगरी के लिए। पिकॉक है, पैरट है, पिजन है, डक है, पेंगुइन है। ओके, सो जितने भी बर्ड्स के एग्जाम्पल्स आपको पता है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से यहाँ पे फिट कर सकते हो। अगेन, दिस डायग्राम ऑफ पिजन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो हेड, आईज, नेक, बीक एंड क्लॉज, ये जो अलग अलग से पार्ट्स वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं, ये हमें याद रखने हैं। ओके, तो स्पिंडल शेप अब तक हम लोगों ने कहाँ देखा था, एक फिशेस के लिए देखा था। ओके, और एक अगला कहाँ देखा, बर्ड्स के लिए। तो ये दोनों ही जो शेप्स उनको दिए हैं, एक को पानी में इजीली मूव करने के लिए दिया है और दूसरे को वो शेप दिया गया है सो दैट वो आसानी से उड़ सके। इनके जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स हॉलो होते हैं, मतलब बॉडी में ज़्यादा वेट प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं जब व्हेन वी गो थ्रू द डिटेल स्टडी ऑफ दिस क्लास ओवर देयर। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट क्लास, दैट इज मैमल्स, मैमेलिया। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज अ टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलिया। दीज आर वार्म ब्लडेड, मतलब दे कैन ऑल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद नेल्स,
क्लॉज एंड हूव्स, ठीक है, नेल्स, नाखून, क्लॉज, हूव्स भी आ सकते हैं. एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर, जैसे हम लोगों के बॉडी पे हेयर्स होते हैं. सो वी आर फ्रॉम दिस कैटेगरी, दैट इज वी आर मैमल्स. सो एलिफेंट है, ह्यूमंस है, कंगारूज है, डॉल्फिन्स एंड बैट्स आर देयर. सो बैट का भी डायग्राम आपको दिया है, पैटेग्विन कहते हैं उसके पंख हो, बॉडी इज देयर, लेग्स आर देयर एंड आईज आर ऑल्सो मैंशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन दैट वी सी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स टोटली अ थ्योरेटिकल चैप्टर. आई कैन से दिस इट, ये एक इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है. जो भी आगे बायो में जाना चाहता है उसके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्लासेस अब तक आप उन्हें देखे वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हैं. ओके, सो जैसे हम लोग बुक से पढ़ते हैं वैसे ही आपको इस वीडियो के थ्रू भी, इसको दो तीन बार भी अगर आपने ओवरव्यू किया तो आपको आसानी से कैरेक्टर सिक्स के साथ साथ सारे एग्जाम्पल्स आसानी से याद हो जाएंगे. तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग अगले लेसन को डिस्कस करेंगे. तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना. बाय एवरीवन, बाय बाय.